सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक अच्छा रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। जीवन में जरूरी नहीं कि हम सबसे अच्छे बने, केवल यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना हमारा दिमाग सोच कर इसे बना देता है। आज का पंचांग 21 मई 2024 दिन मंगलवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम 5:39 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 7:46 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:41 से 5:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं। धनु राशि 21 मई 2024 दिन मंगलवार, आज के दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण के तहत ग्रह गोचर आपके लिए अनेक सकारात्मक उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आप रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने की सोचेंगे और इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। घर से संबंधित गतिविधियों में जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभदायी है जिसमें आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे। इस प्रकार ग्रहों की सकारात्मक स्थिति आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी और आपको अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ नया और सृजनात्मक करने की प्रेरणा देगी। इस ऊर्जा का लाभ उठाते हुए आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और अपने जीवन में संतोष और सफलता का अनुभव करेंगे। अनेक प्रयत्न के बाद पुरानी बातों को सुलझाना आपके लिए संभव होगा। किसी व्यक्ति के आपके लिए गलतफहमी दूर होगी, फिर से रिश्ते में सुधार नजर आएगा। वैवाहिक जीवन संबंधी चिंता अपने पार्टनर के साथ स्पष्ट रूप से जाहिर करें। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनता नजर आ रहा है। आपके काम की वजह से अन्य लोगों को मार्गदर्शन मिल सकता है और अपने अनुभव के कारण ऑफिस की कुछ समस्या दूर कर पाएंगी। पार्टनर और आप अपनी बातों में व्यस्त नजर आएंगी। वर्तमान की वजह से सेहत खराब हो सकती है। सावधानियां, कोई बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा किसी मुश्किल में फंस सकती हैं। किसी नजदीकी मित्र से गलतफहमी की वजह से संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। अत्यधिक कार्यभार की वजह से परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। परिवार के सदस्य आपकी परेशानी समझेंगे और सहयोग भी करेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके पार्टनर से प्यार करेगा। वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हैं। बहुत अच्छी पसंद है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव भी देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिया गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर ढकेल सकता है जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में चल रही किसी दिक्कत को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें।
गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। फाइनेंशियल संबंधित निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। सरकारी नौकरी में पेपर संबंधित कुछ दिक्कतें भी आएगी। बात करती हैं सेहत की। आज ऊर्जा और स्टेमिना दोनों ही कम रहेंगे। आपके पिछले दिनों की स्वास्थ्य की अपनी अपेक्षा के चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अगर आपको खूब मेहनत करनी है तो आप अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आराम भी करें। आपको अपने शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करना चाहिए। ज्यादा मेहनत करके आप अपनी सेहत को नुकसान ही पहुंचाएंगे, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।